आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की शाही शादी पर फैंस की नजरें टिकी हुई हैं। दोनों जोधपुर के उम्मेद भवन में 2 दिसंबर को साथ फेरे लेंगे। जब देसी गर्ल के अमेरिकी पॉप सिंगर निक को डेट करने की खबरें आईं, तो दोनों के बीच उम्र के फासले को लेकर कई बातें बनी। प्रियंका निक से 10 साल बड़ी हैं। जोधपुर के उम्मेद भवन में आज से प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की शादी की रस्में निभाई जाएंगी। 2 दिसंबर को उम्मेद भवन में दोनों साथ फेरे लेंगे। शादी से पहले प्रियंका निक ने एक इंटरव्यू में अपने रिलेशन से जुड़ी अहम बातों का खुलासा किया है। प्रियंका निक ने बताया कि 2017 से पहले ही उनकी बातचीत होने लगी थी, एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करते थे। निक ने खुलासा किया कि जब वे प्रियंका के साथ तीसरी बार डेट पर गए थे, तभी उन्हें अंदाजा हो गया था कि वे एक्ट्रेस से ही शादी करना चाहते थे। प्रियंका के बर्थडे के एक दिन बाद निक ने उन्हें प्रपोज किया था। एक्ट्रेस को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। निक का प्रपोजल सुनकर प्रियंका 45 सेकंड के लिए एकदम चुप हो गई थी। इसके बाद निक ने कहा, मैं तुम्हारी उंगली में रिंग डालने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? तीसरी डेट के बाद निक ने अपनी माँ को बताया कि वे प्रियंका संग शादी करना चाहते हैं। प्रियंका ने कहा, निक चाहे मुझसे उम्र में कम होंगे, लेकिन मैच्योरिटी के मामले में ज़्यादा हैं। वे मुझसे ज़्यादा सीनियर और सीरियस लगते हैं। वे बेहद शांत हैं। निक यांग की शादी में सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल हो रहे हैं। 80 लोगों की मौजूदगी में शादी संपन्न होगी। 2 रिसेप्शन होंगे। पहला रिसेप्शन फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए मुंबई में है, जबकि दूसरा रिसेप्शन दिल्ली में है। दिल्ली वाले रिसेप्शन में पीएम मोदी के शामिल होने की खबरें हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।